आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग का समय नजदीक आते ही अब सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा द्वारा आज कोसली विधानसभा के बरेली कला में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज रोहतक से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के पक्ष में चुनावी रैली में पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बरेली पहुंचने पर भाजपा नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पूरे संबोधन में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सोमनाथ के मंदिर से लेकर श्री राम के मंदिर तक कांग्रेस वालों ने रुकावट लगाने के सिवाय कुछ काम नहीं किया। लक्ष्मण सिंह यादव जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी और आगे पकड़ ले अपनी तो दिखना भी है। संख्या में जन समुदाय ने संकल्प किया कि फिर एक बार मोदी सरकार, और जैसा कि हरियाणा का अपना स्वभाव है, एक बार ठान लेता है तो चाहे जान चली जाए वो बदलते नहीं है। मैं ऐसे रणबांकुरों के क्षेत्र में आया था, मेरी अपनी ओर से